गाइस रिव्यूज तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आज हम रिव्यू करने वाले अपने मोटो वन फ्यूजन प्लस को, वो भी आउटडोर में, क्योंकि ये है दोस्तों इसका कैमरा रिव्यू। तो आपको सारी चीजें हम एकदम डिटेल में एक्सप्लोर करके यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस फोन में आपको कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज यू ऑल नो दोस्तों, मोटो वन फ्यूजन प्लस एक बहुत ही हॉट लिस्टेड डिवाइस है और यहाँ में से आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे परचेज करने का। अनफॉर्चुनेटली सेल में नहीं मिल रहा है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हो कि तो क्या ये वर्थ है या फिर नहीं है। इस फोन में दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल है, उसी के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों इस कैमरा रिव्यू में इसके हर एक एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं। हर एक एस्पेक्ट यानी कि वीडियोग्राफी कैसी है इसकी, इसका मैक्रो सेंसर कैसा काम करता है, 64 MP कैसा काम करता है, वाइड एंगल कैसा काम करता है और डेप्थ इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ 16 MP जो सेल्फी कैमरा है उसके बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं इसी के मेन कैमरा की। तो मेन कैमरा की फोटोग्राफी मैं बताऊं तो गाइज इतना अप टू द मार्क नहीं है। बात करूं अगर कैमरा की डिटेलिंग की तो डिटेलिंग उतनी ज्यादा खास यहाँ पर नहीं मिलती है आपको देखने को, अगर आप नॉर्मल कैमरा से शॉट्स वगैरह लेते हो तो। उसी के साथ अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ यहाँ पर, तो डायनेमिक रेंज आपको उसमें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, यानी कि अगर आप सनलाइट में ले रहे हो तो आपको काफ़ी सारे डल शॉट्स देखने को मिल सकते हैं। अब डायनेमिक रेंज का मतलब यानी कि अगर आप सनलाइट में भी शॉट्स ऊपर ले रहे हो तो वहाँ पर आपको क्लियर जो है इमेज मिलनी चाहिए, जो ब्लूज़ हैं, जो पर्पल कलर है स्काई का या फिर जो रेड कलर है वो प्रॉपर दिखना चाहिए आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। स्काई जो है पूरा वॉश्ड आउट हो जाता है। तो डायनेमिक रेंज यहाँ पर थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि सैमसंग का GWM सेंसर है तो वो केपेबल है, बट यहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। तो ये एक मेरे को यहाँ पर दिक्कत देखने को लगी। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके दोस्तों कलर्स की, तो कलर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कलर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इस सेंसर में। तो यहाँ पर आप जितने भी नेचुरल शॉट्स अगर आप ज़्यादा प्रेफर करोगे तो लाइटिंग में आपको कलर्स बढ़िया मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लो लाइटिंग की, तो लो लाइटिंग में कलर्स तो एक्यूरेट है, फिर अगेन डिटेल में लैग करता है, ग्रेन्स आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिली है। हालांकि सेंसर का अपर्चर साइज बहुत बड़ा है, लेकिन स्टिल ये जो है यहाँ पर लाइट कैप्चर करने में बहुत ही मतलब दिक्कतें पैदा करता है। तो नाइट मोड में मैंने कुछ फोटोज यहाँ पर कैप्चर किए जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे को ऐसा कुछ खास कमाल सा नहीं लगा। आप देख सकते हो ये जो स्काई यहाँ पर आप देख रहे हो और यहाँ पर वाटर में जो इसकी इमेज देख रहे हो वो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ठीक ठाक सी लग रही है, ऐसी कोई नहीं कमाल सी हो गई, बट ओवरऑल इमेज जो है कैप्चर अच्छी हुई है। तो मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का तो नहीं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो कैमरा है उसमें आपको उतनी ज़्यादा अप टू द मार्क परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। लेकिन इतना ही नहीं गाइज, इसका जो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो मेरे को पता नहीं किस यूज़ के लिए दिया गया है। सोनी IMX686 सेंसर हमने यूज़ किया है, उसका 64 मेगापिक्सल समझ में आता है, जब आप जूम करते हो तो वहाँ पे आपको डिटेलिंग देखने को मिलती है, बट इसमें सैमसंग के GWM सेंसर की गलती है या फिर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की गलती है, यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल में उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती। हालांकि मैंने जूम करके शॉट्स लिए नॉर्मल और उसमें कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये मतलब एकदम नकली सा लगता है। हालांकि 64 मेगापिक्सल के शॉट जो ज़्यादा शार्प आते हैं नॉर्मल से, और यहाँ पर कलर प्रोडक्शन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 64 मेगापिक्सल बस एक ख्याली पुलाव है जो कि पका दिया गया है, तो नाम की है बस ये चीज़ें और यहाँ पर कुछ ऐसा खास सा फर्क इससे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्रो शॉट्स की। तो दोस्तों मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग जो मेरे को इसमें लगी है, यानी कि इस कैमरा में लगी है, वो यहाँ पर मैक्रो शॉट्स है। तो मैक्रो शॉट्स यार ये काफ़ी कमाल के लेता है, मतलब मैं एकदम अमेज हो गया कि भाई क्या मतलब शॉट्स ही ले रहा है। एक तो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलता है और अप टू 2 cm क्लोजअप शॉट्स ये ले सकता है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे जो है शॉट्स लिए, यहाँ पर आपको कलर एकदम परफेक्ट देखने को मिलता है, डायनेमिक रेंज एकदम परफेक्ट देखने को मिलती है, डिटेलिंग एकदम परफेक्ट देखने को मिलती है, एज डिटेक्शन प्रॉपर है क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड है ऑब्वियसली, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है एकदम अप टू द मार्क देखने को मिलती हैं। एंड इवन ये जो अभी तक का था बेस्ट एवर मैक्रो कैमरा जो मैंने ट्राई किया था किसी भी स्मार्टफोन पे, हालांकि मैंने पोको में भी ट्राई किया है बट पोको का मेरे को उतना सही नहीं लगा था, बट यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल का जो है मैक्रो शॉट वाला लेंस देखने को मिलता है।
वेल दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्रेट शॉट्स की। तो अब एक्चुअली इसमें कोई ऐसा टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट शॉट्स, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स आपको उतने ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलते हैं। जो ब्लर आपको देखने को मिलता है इमेजेस में, वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल यानी कि नकली सा लगता है देखने में, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद है बिल्कुल भी। वेल दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फोकसिंग की, तो फोकसिंग में यहाँ पर हंटिंग इशू देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब हंटिंग इशू का क्या सेंस है, तो हंटिंग इशू ऐसा गाइस कि आप जब फोकस करते हो कैमरा पे यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैमरा हंट करता है, और सैमसंग के GW1 सेंसर में ये दिक्कतें हैं भी यहाँ पर। तो यहाँ पर ना ये कलर्स एक्यूरेट दे रहा है, मैं यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहा हूँ 64 मेगापिक्सल सेंसर जो आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो उनकी, तो ना कलर एक्यूरेट दे रहा है, ना तो एज डिटेक्शन प्रॉपर है, और ना ही कोई चीज़ की बढ़िया डायनेमिक रेंज भी वर्स्ट ही है इसकी। इमेज जो है वो ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है। अब सैचुरेशन वाला सीन किसी का अपना पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, मुझे ओवर सैचुरेटेड इमेज पसंद है, हो सकता है आपको ओवर सैचुरेटेड पसंद ना हो, नेचुरल कलर पसंद हो, तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी मैं बोलूँ अगर पोर्ट्रेट मोड की, तो वो अप टू द मार्क नहीं है यहाँ पर, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है यहाँ पर। तो बस बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फाइनल कैमरा जो कि है अल्ट्रा वाइड सेंसर, तो 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है, बट वो मतलब कुछ कमाल का करता नहीं है, और वाइड एंगल शॉट्स यार एकदम मतलब कचरा आते हैं इसमें। मैंने अभी तक जितने भी सेंसर यूज़ करे हैं वो सारे सेंसर इससे बढ़िया थे, यानी कि ये सबसे वर्स्ट था। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर में आपको कुछ ऐसा कमाल का देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल यू हैव अल्ट्रा वाइड सेंसर, तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा परफॉर्मेंस की, तो वो मुझे कुल मिला के मैक्रो शॉट अगर छोड़ दो तो एकदम घटिया लगेगा, और मैक्रो शॉट इंक्लूड कर लो तो यार कहते हैं ना कि कम में भी वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सेल्फी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी पे है, तो टेक्निकली आपको 64 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन की इमेजेस देता है। ओवरऑल अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ, तो इसका कलर डिटेक्शन, इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है और एज डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर हैं यहाँ पर। कि सैचुरेटेड इमेज यहाँ पर आपको थोड़ी सी देखने को मिलती है, बट ये जो है ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी। अगर आप फ्लैगशिप कैमरा से कंपेयर करोगे, जैसे हो गया आईफोन वगैरह के कैमरास, तो वहाँ पर आपको आईफोन 11 में जो है देखने को मिलती है काफ़ी बैलेंस्ड कलर वाली इमेज, तो उस केस में आपको ये थोड़ी सी जो है वो ओवर सैचुरेटेड लग सकती है, लेकिन आप उसको देखोगे इसके सामने तो वो फेडेड लगेगी। लेकिन सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूँ, तो डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही है, और जो इन्होंने पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी की बात करी है वो काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है सॉफ्टवेयर में, तो आपको यहाँ पर चीज़ें जो देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलती है। सेल्फी कैमरा और पोर्ट्रेट कैमरा आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है, बाकी कैमरा परफॉर्मेंस आपको उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलती है। फोटोग्राफी की तो बात यहाँ पर हो चुकी, काफ़ी सही सामने रिव्यू कर दिया, बट यहाँ पर वीडियोग्राफी की अगर बात कर लें, तो वीडियोग्राफी अगर 4K छोड़ दी जाए तो ओवरऑल वीडियो में कोई ज़्यादा मज़ा रह नहीं जाता है। 4K में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिटेलिंग देखने को मिलती है जो आप 4K वीडियो एक्चुअली शूट करते हो। 4K 30 FPS है, 4K 60 FPS इसमें सपोर्टेड नहीं है बिल्कुल भी, तो 1080p आप 60 FPS शूट कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर 720p पे 30 FPS शूट कर सकते हो, और आपको स्लो मोशन देखने को मिल जाता है इसमें 240 FPS और 120 FPS पे। तो ओवरऑल ठीक है, आपको इस बजट में सभी स्मार्टफोन्स में यही जो है USPs देखने को मिलती हैं। बट मैं अगर बात करूँ वीडियोस की, तो 1080p में फोकस हंटिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं वही 4K शूट कर रहा था तो 4K वीडियोस जितनी ज़्यादा शार्प, एक्यूरेट, कलर प्रोडक्शन सब कुछ चकाचक आ रहा था, और यहाँ पर फोकस में भी हंटिंग नहीं हो रही थी। इवन जब आप डायनेमिक रेंज की बात करते हो, डायनेमिक रेंज बैलेंस वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही क्विक हो रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं स्विच कर रहा हूँ स्काई से अपने जो है ह्यूमन ऑब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी जल्दी फोकस हो रहा है और कलर जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जा रहा है, यानी कि डायनेमिक रेंज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो को लेकर के हमको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं मिलती हैं, वीडियो परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है खाली 4K में, और अगर आप 1080p वगैरह में शूट करते हो तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट होना पड़ सकता है। तो यार ये तो सारी बातें हमने कर ली कि कैमरा क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन अब कंक्लूड करते हैं कि कैमरा पर्सपेक्टिव से ये स्मार्टफोन अच्छा है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, आइए बताता हूँ उसके बारे में आपको। गाइज यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसके कैमरा की, तो मुझे उतना सही नहीं लगा खाली मैक्रो शॉट्स और सेल्फीज़ और 4K रिकॉर्डिंग को छोड़ दूँ तो, ये तीनों चीज़ इसकी बहुत ही तगड़ी लगी है मेरे को, और बाकी के मामले में कैमरा जो है बहुत ही मतलब दिक्कतें करता है और बॉटल नेक करता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो, तो आप जो है मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई और स्मार्टफोन चूज़ करो, लेकिन अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो वो जज करने के लिए आप मेरा रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हो, जिससे मैंने हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करी है, तो वहाँ पर आपको जा करके सब कुछ पता लग जाए। बट इसलिए हम कैमरा की बात कर रहे हैं, तो
कंक्लूड ये करना चाहूँगा, कैमरा परस्पेक्टिव से ये स्मार्टफोन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि मैं तो इसको खाली मैक्रो शॉट्स के लिए यूज़ किया, और जो इसने मैक्रो शॉट्स लिए यार, मैं मतलब उसी की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। फिलहाल कैमरा के लिए फ़ोन नहीं है, अगर आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो पोको X2 आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। फिलहाल यही था वीडियो जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहता था कि मोटो वन फ्यूजन प्लस का आपको कैमरा कैसा मिलता है। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में पता लग गई होंगी और आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हो गए होंगे इसके कैमरा को लेकर के। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइज लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope one day, somehow, our ways will meet again. 'Cause I've been wondering why we still play as we were friends.